आइए मास्टर साहब, एक गीत की प्रस्तुति है। अभी अभी आप लोगों ने सुना गीत को, एक लाइन दर्ज है, क्या कहना है? अरे रहली माते मातंग में, औरतिया की झूला लिया लई गे छोर छोटी नाला, रतिया की झूला लिया लई गे छोर छोटी नाला। लिखना पड़ा अंधेरे के दिया से अजोर नहीं होई जे दोनों आंख के अंधा बहू नहीं। सही बात है, कवि के कविता में कविता छिपी रहती है, और जहाँ कविता में कविता छिप जाती है वहीं पर छायावाद पैदा हो जाता है। भाव देना पड़ा बाबूजी, कहना है। अरे गागर में सागर जब जाला हो समाई, सागर में सागर सागर जाला हो समाई, सागर में सागर अयमुत माले बादल जो की जाल बरसाई, अमृत माले बादल जो की जाल बरसाई। सुने वाले बाबूजी, सागर में सागर समा सकत है लेकिन गागर में सागर नहीं समात, लेकिन यहाँ कवि ने गागर में भी सागर को समाहित कर दिए हैं। यहाँ कवि ने गागर में सागर को भी समाहित कर दिए हैं, इसलिए कहा गया है गीत के अंदर भाव देना पड़ा, कवि को लिखना पड़ा, कहना है बाबू। सारंग देख सारंग मन विभोर नाही होई, और अंधेरे के दिया से अजोर नाही होई। सुनई वाले बाबूजी, सारंग एक पर्यायवाची शब्द के तरह होता है। सारंग माने पानी भी होता है, सारंग माने सर भी होता है, सारंग माने तीर भी होता है, और सारंग माने बादल भी होता है, सारंग माने घोर गर्जना करने वाला वो घना नाद भी है। इसीलिए तो लिखा गया, सारंग सारंग लेके सारंग लेने जाई, सारंग सारंग लेके सारंग लेने जाई, सारंग से सारंग सारंग जब सारंग तो सारंग सारंग लेने सारंग लेने जाई। सारंग माने सर होता है, सारंग माने बाण होता है, सारंग माने निशाना होता है, सारंग माने बादल होता है, और सारंग माने पानी भी होता है, सारंग माने आवाज भी होती है। तो बात ढेर, तो कुछ हर से सुन ली है और जो बाकी हो कुछ हर से सुन ली है। कहा देना पड़ा अगली लाइन में, कहना है। कवि को लिखना पड़ा दूसरी लाइन में, कहना है मास्टर साहब। सहदेव खाए रहे पिताजी का मासिया, सहदेव खाए रहे
दिया। तो भविष्य के बताव यार बतिया, तो भविष्य के बताव यार बतिया। अरे गीतिया से गीतिया के, अरे गीतिया से प्रीत साथ, अरे बोर नहीं हो के दिया से अजोर नाही होई, अन्हारे के दिया से अजोर नाही होई, अन्हारे मसिया, यानी पांडु के लाश के मांस स्वयं उनकर बेटवा सहदेव जी खाए थे, उनका गोश्त स्वयं वो खाए थे और भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता थे। अब बात आई गई बाबूजी कि नकुल जी से के निकला और कैसे कैसे निकला, तो थे कौन, भाव देना पड़ा, कहना है, गीत के लाइन में लिखना पड़ा, जरा गौर से सुनिएगा। अरे कोकंद्र धनु ही असीरी राम जी के हाथवा, कोकंद्र धनु ही असीरी राम जी के हाथवा। भैया हो, अरे कोकंद्र धनु ही असीरी राम जी के हाथवा, और शेषाया अवतार रहले लखन जी जवानवा, शेषाया अवतार रहले लखन जी जवानवा। देखिए आप हैं प्रदीप गुप्ता जी और एक सुंदर पुष्पहार, 101 रुपया पुरस्कार हमारे कवि जी के लिए और 101 रुपया पुरस्कार हमारे लिए, ये भैया श्री प्रदीप गुप्ता जी की ओर से, जिनका ये वीडियो रिकॉर्डिंग एक कैमरा चल रहा है, जिनके वीडियो कैमरा के माध्यम से आप लोग तमाम बिरहा कलाकारों का आनंद लेते हैं, गीत को सुनते हैं। गाना के अंदर भाव देना पड़ा बाबू जी, कहना है कवि को लिखना पड़ा, एक ही लाइन में आप लोग बात को समझ लीजिए। को कंद्र धनुहिया रहली राम जी के हथवा, और शेषा अवतार रहे लखन जी जवनवा। और गदा के प्रहार से, गदा के प्रहार से अब स्वर नहीं होई, वो गदा कवन कौन, हनुमान जी चलावत रहे तो उसे तो स्वर होत रहा, सुने वाले बाबूजी, लेकिन वो गदा है जेकरे प्रहार से स्वर नहीं होत, लेकिन चोट बड़ी गहरी लागत है, चोट बड़ी गहरी देती है बाबूजी। अभी अभी आप लोगों ने सुना, दो से चार लाइन की गीत और है, कभी को लिखना पड़ा, कहना है। अरे सत्य सीता, अरे सत्य सत्य पेटी काल बाट इहै हो धरानिया, सत्य पेटी काल बाट इहै हो धरानिया, सत्य पेटी काल बाट इहै हो धरानिया। सत्तवा पे बीती गईले हरिश्चंद्र ज्ञानिया, सत्तवा पे बीती गईले हरिश्चंद्र ज्ञानिया। अन्हारे के दिया से अजोर नहीं होई, सुने वाले बाबूजी, सत्य पर ये आसमान और धरती टिका है, और
सत्य पर बिकाई गए हरिश्चंद्र। कौन हरिश्चंद्र? जिन सोचा कि जो घाटे पर मरघट पर रखवारी करता है वो हरिश्चंद्र, वो हरिश्चंद्र नहीं। अभी अभी आप लोगों ने सुना है तो जो सीता निकली है वही सत्य है, जो हनुमान निकले हैं बाबूजी वही इस दुनिया में बल है। जे करे वो गदा से, जो मायावी गदा रही वो गदा से मारे तो जोर से आवाज आवे, लेकिन जो सत्य का गदा है, जो सत्य का प्रहार है उससे आवाज नहीं आती है, लेकिन इस दुनिया के लोगों को घायल कर देता है बाबूजी। और जो राम है, जो राम है वही एकता है, जो राम है वही एकता है, वही अखंडता है बाबूजी। और जो रावण है वही अहंकार है, वो क्रोध है। जो रावण है वो अहंकार है, और जो सीता है वो सत्य है बाबूजी। जो मुख से निकली थी और जो रावण है वही अहंकार है। भाव देना पड़ा, अगली लाइन में कहना है। आज के समय में सत्यवा के बल पे बिकाए हरिश्चंद्र ज्ञानिया। एक तो हरिश्चंद्र उ रहे जेका आप लोग जानते हैं कि उस सत्य के कारण बिकाए गए, लेकिन ये कौन हरिश्चंद्र? यह कलयुग में है, यह कलयुग में कौन हरिश्चंद्र है बाबूजी जो सत्य पर बिकात है? तो वो हरिश्चंद्र कहीं और नहीं है, न उनका कोई आकार है, नहीं शरीर के अंदर है, नहीं मन के अंदर है। और झूठ पर बाबूजी हमेशा सच हावी बात, लेकिन सच के परिखई बरे यह दुनिया वालन के समय चाहे ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान कहाँ मिले? जब सदगुरु के शरण में जावे, तब। यही वजह कवि को लिखना पड़ा, कहना है, अगली लाइन में संकेत करना पड़ा। बोला ज्ञानी से ज्ञानी हरदम, ज्ञानी से ज्ञानी हरदम ज्ञानी टकराला, ज्ञानी से ज्ञानी हरदम ज्ञानी टकराला, पानी से पानी में लहर उठ जाला, पानी से पानी में लहर उठ जाला। अजोर नहीं होई अंधेरे के दिया से, अजोर नहीं होई सुने वाले बाबूजी। ज्ञानी से ज्ञानी हरदम टकराला, पानी से पानी में लहर उठी जाला। एक पानी तो पिए वाला, नहाई वाला, धोई वाला, वो एक पानी होत मर्यादा। एक पानी होता है बाबूजी मर्यादा, और जब मर्यादा से मर्यादा टकराती है बाबूजी, सम्मान से सम्मान टकराता है, तो उस पानी में एक लहर उठती है। उसी बात को कवि ने लिखा है, कहना है। अरे दानिया सतागिया में, ए दानी सतागिया में, अरे कौन होई अंधेरे के दिया से, अजोर नहीं होई अंधेरे के दिया से, अजोर नहीं होई। निचोड़ केवल एक शब्दों में, अंधेरे के दिया से अजोर नहीं होई, जे दुनो आंख के अंधा बहुत हई बा, लेकिन ई अंधर के बात नहीं ना, जे दुनो आंख से अंधा बा।
जैसे हम है। सूरदास तू तो खुश नसीब है, तू पूरी दुनिया को नहीं देखा था लेकिन पूरा दुनिया तो है देख के खुश हो गया था। तब हम टोई टोई बजाई थी। सुने वाले बाबा अन्हरे के दिया से अजोर नहीं होई, यह तो अर्थी बोल रहा है। तो जो आत्मा से जो ज्ञान से अंधा है, जो बुद्धि से अंधा है, जो विवेक से अंधा है, तो जे खुद बुद्धि से अन्हर बाबू दूसरे का रास्ता का बताए, तो वो करे दिया से कभा वो जरार होई वाला नहीं बा। सुने वाले बाबूजी भाव देना पड़ा आखिरी और अंतिम प्रमाण में। सीताराम हित गईले स्वर्ग की नगरिया, सीताराम हित गईले स्वर्ग की नगरिया, प्यास शिव शंकर कवि लिखले सयरिया, प्यास शिव शंकर कवि लिखले सयरिया, अजोर नहीं होई, अन्हरे के दिया से अजोर नहीं होई।